हेलो गाइज नमस्ते, राम राम जी। मैं रवि, आप देख रहे हैं फेमस रवि यूट्यूब चैनल। तो गाइज फिलहाल इस वक्त मैं टिब्बी साहिब गुरुद्वारा में, आप देख सकते हैं मैं नहा धोलिया हूँ यहाँ पर। और अभी मैं लगभग 1 घंटा पहले उठा था भाई। और ये आप देख सकते हैं भाई, ये मेरे कपड़े हैं यहाँ पर, मैंने दूसरे कपड़े पहन लिए, तौलिया रखा है मेरा भी, तौलिया मुंह पर बांध कर चलता हूँ भाई, अपने सफर को शुरू करता हूँ दोबारा से। और मेरे सामने पहाड़ खड़े भाई छोटे छोटे, अगर आपको दिख रहे हैं ना तो देख सकते हैं। और ये गुरुद्वारा मुझे बहुत अच्छा लगा, रात में यहाँ पर रुक गया था, अपने पिछले लोग में देखा ही होगा भाई, मैंने आपको सब जानकारी दे दी थी यहाँ की। और अपना भी मैं यहाँ से निकलता हूँ आनंदपुर साहिब की तरफ। आनंदपुर साहिब यहाँ से लगभग 44 किलोमीटर है, अभी मैं मैप लगाकर चलता हूँ यहाँ से। एक बार मैं चाय पी लेता हूँ यहाँ पर, रोटी भी खा लेता हूँ अगर बनी होगी तो भाई, देख लूंगा चलो क्या रहता है। मैं जाता हूँ एक बार लंगर हॉल में। देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं भाई। और अपना मैं जा रहा हूँ भाई सामने की तरफ, ये गुरुद्वारे का रास्ता है, ठीक है। अपना सामने आप देख सकते हैं वो गुरुद्वारा है भाई, और मैं जा रहा हूँ पार्किंग की तरफ और लंगर हॉल की तरफ। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं भाई, मैं लंगर हॉल में रोटी खा के आ चुका हूँ। रोटी में मुझे मिली दाल रोटी और अचार और लस्सी भाई, लस्सी मिलती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर खुद की अपना गौशाला है यहाँ पर गुरुद्वारे की, तो बहुत अच्छी बात है भाई, दूध पूरा होता होगा। अभी मैं सतलुज नदी के किनारे खड़ा हूँ, सतलुज नदी मेरे सामने है बिल्कुल, और बहुत तूफान पर है, पीछे तो बहुत तूफान पर है, मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाई थी। आप देख सकते हैं कुछ आसपास ऐसा दिखता है भाई, और बादल भी बहुत ज्यादा हो रखे है, पहाड़ है मेरे पीछे। अभी मैं जा रहा हूँ भाई अपने रास्ते की तरफ, आनंदपुर साहिब जा रहा हूँ, देखता हूँ रास्ते मुझे कितने अच्छे नजारे देखने को मिलता है, सब दिखाऊंगा आप लोगों को। आज के ब्लॉग में आपको नैना देवी भी दिख सकती है भाई, पक्का नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 90% कह सकता हूँ पक्का दिख सकती है। अपना चलते हैं भाई यहाँ से। मैंने आपको बताना था मैंने तौलिया ओढ़ रखा सिर पर, क्योंकि मैं गुरुद्वारा के बिल्कुल पास हूँ भाई, और नंगे सिर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, आपको मैं सजेशन देना चाहूंगा, पक्का अपना सिर ढककर ही आए भाई यहाँ पर अगर आए तो। और गाइज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप रूपनगर में आए भाई आपका कुछ नहीं लगने वाला, बस आपको ट्रैवल का खर्चा देना है, मतलब कि आपके अपने गांव से आपको बस रूपनगर आना पंजाब में, और अपना यहाँ पर सब कुछ फ्री है भाई, और देखने का नजारा भी है, मतलब कि यार घूमो तो इंडिया में, बहुत अच्छा नजारा है भाई सच में, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं होता भाई अपने इंडिया में, बहुत अच्छा है अपना इंडिया सच में यार, घूमो फिरो। मैं भी तो घूम रहा हूँ देख लो यार, मेरा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ अभी तक, मुझे लगभग घर से निकले हुए 4 दिन हो गया भाई, कुछ भी खर्चा नहीं हुआ देख लो। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं भाई, मैं रास्ते में था और रास्ते मुझे 2 भाई मिल गए। अनंतपुर साहिब, अनंतपुर साहिब, अच्छा अच्छा, मैं अनंतपुर साहिब जा रहा हूँ अभी। कितने किलोमीटर है? 33 किलोमीटर के आसपास। मतलब पीजीआई में जो मेमरीज है ना उनके लंगर लेके गए भाई, अभी गाड़ी रुकवा ली थी मैंने, ठीक है, इन्होंने मुझे पहचान लिया था, इन्होंने मुझे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने सब बता दिया, और भाइयों थोड़ी हेल्प भी कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों का, और इनसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ओके भाई साहब। फाइनली गाइस 2 घंटे साइकिल चलाने के बाद मैं आ चुका हूं भाई आनंदपुर साहिब में, और मैं यहां पर विरासत ए खालसा देखने आया हूं। अभी दिखाता हूं आपको, पता नहीं कैसा कैसा स्ट्रक्चर बना है भाई, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं यहां पर मुड़ गया था, मैंने देखा वहां पर विरासत ए खालसा लिखा था भाई, मैंने सोचा जाकर देखता हूं क्या माहौल है। यहाँ पीछे से आया हूँ गेट में एंट्री करके, आप देख सकते हैं भाई, और साइकिल के टायर बहुत ज्यादा गर्म हो गया भाई, गर्मी पड़ रही है ना कोई, चलो कोई बात नहीं, गर्मी मुझे तो लग नहीं रही क्योंकि मैं तौलिया ओढ़ कर रखता हूँ ना, चश्मा लगा कर रखता हूँ, आंखों पर शैडो बनी रहती है, तो साइकिल को गर्मी लगती है, बस ये डर है कि टायर ना फट जाए भाई, क्योंकि मेरे पास टायर भी नहीं है भाई, और मैंने खरीदे नहीं है, और समय समय पर इसके टायर की दुकान नहीं मिलेगी भाई। चलो कोई बात नहीं, बार पार्किंग में लगाता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ आप लोगों से। तो गाइस अभी मैंने यहाँ से टिकट ले लिया भाई, और ये फ्री पास मिलता है, और फोन में डाउनलोड कर देते हैं, मैंने भी टिकट ले लिया, और मैं चलता हूँ भाई देखने विरासत ए खालसा, देखता हूँ भाई क्या रहता है, मुझे कुछ नहीं पता क्या अंदर क्या नहीं भाई, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पर, चलो फिर चलते हैं। अपना सामने मेरे बहुत बड़ी इमारत सी लग रही है भाई मुझे, और बहुत ज्यादा लोग आए हैं यहाँ पर, पार्किंग बहुत ज्यादा भर रखी है इन लोगों की, चलो फिर चलते हैं। देखो आसपास भाई यहाँ पर पार्किंग ही पार्किंग है। गाइज विरासत ए खालसा 13 अप्रैल 1999 को बना था, मतलब कि स्थापित हुआ था, और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया था, उनके आधारों पर लिखे शस्त्रों के आधार पर बनाया गया था ये, ठीक है। अभी मैं इसको देखने जा रहा हूँ अंदर बाहर से, अंदर बाहर मुझे पता नहीं भाई कैमरा ऑन करने देंगे या नहीं करने देंगे, लेकिन यहाँ तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार अंदर चल के देखते हैं, थोड़ा सा उधर देखता हूँ थोड़ा माहौल क्या रहता है, फिर उसके बाद मैं अपने पीछे देखूँ उधर की तरफ, उधर ज़्यादा है, मतलब कि सारा संग्रहालय उधर ही है भाई। अभी थोड़ा देखता हूँ, यहाँ पर लोग आ जा रहे थे, मैंने सोचा सबसे पहले देख लेते हैं आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर घास ही घास खड़ी है, और पहाड़ी पहाड़ है भाई, चारों तरफ पहाड़ है मेरे, तो भाई आगे जा रहा हूँ मैं, ठीक है, उत्तर में, और अपना पहाड़ी पहाड़ आएंगे अब तो देखना भाई, पूरे नज़ारे आएंगे व्लॉग में, हर एक व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो
भाई जब आप देख सकते हैं भाई, मैं म्यूजियम से तो आ चुका था और अभी 2 घंटे बाद सोकर उठा मैं यहाँ पर धर्मशाला में सो गया था कहीं आसपास। और आप देख सकते हैं मैं नैना देवी जा रहा हूँ, पीछे बोर्ड भी देख सकते हैं, नैना देवी लगभग 16 किलोमीटर आ गया मेरे पास से जहाँ मैं खड़ा हूँ। और नैना देवी का मंदिर मेरे सामने दिख रहा है भाई, ऊपर पहाड़ पर है, बस पहाड़ घूमना है भाई 17 किलोमीटर। तो बस ये है कि अगर सीधा जाऊँ ना तो 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ता मंदिर भाई, अगर पहाड़ सीधा चढ़ के जाऊँ, क्योंकि पहाड़ घूमना ना मुझे तो लगभग 16 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और 16 किलोमीटर भाई साइकिल पर नहीं पैदल चलना पड़ेगा मुझे। रास्ता तो बिल्कुल साफ है, मैं पहले एक बार गया था ठीक है, बिलासपुर गया था। और अपना नैना देवी पर चलते हैं भाई, अपना सीधा मिलते हैं आपको नैना देवी पर, अगर रास्ते में कोई खूबसूरत चीज आएगी वो दिखा दूंगा आप लोगों को। तो फाइनली गाइस अभी आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूं नैना देवी, नैना देवी सीधा रास्ता जा रहा है भाई, और मैं साइकिल पर हूं, और अभी रात के 8:30 बज चुके हैं, और अभी तक भी मैं लगभग 1 किलोमीटर पीछे हूं। आप देख सकते हैं ये खड़ी अपनी दुरंता एक्सप्रेस, और भाई मुझे यहां पर एक लाइट सी मिल गई थी, तो मैंने सोचा लोगों में बता देता हूं भाई मैं कहां पहुंच गया, क्योंकि मैंने शाम को आपको बताया नहीं भाई एक बार भी, क्योंकि अंधेरा हो चुका था भाई, मैं चलने में मगन था बस, क्योंकि मुझे पहुंचना था भाई बहुत जल्दी। और अपना 4:30 बजे चला था मैं आनंदपुर साहिब से, और अपना अभी भाई यहाँ पर पहुंच चुका हूँ मैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और अपना देखो मैंने ये भी ले लिया भाई, अपना देख सकते हैं ये पंप भी ले लिया हवा भरने का, क्योंकि भाई दिक्कत आ सकती थी कहीं भी, तो मैंने सोचा वहाँ पर पहाड़ों में दुकान नहीं मिलेगी हवा भरने की, तो मैंने पंप ले लिया। ये मैंने समझदारी की बहुत ज्यादा, क्योंकि एक बार हवा भी निकल चुकी थी मेरे टायर की, खुद ही निकल गई भाई, देखो गर्म हो गया था टायर। अभी जा रहा हूँ, देखो रास्ते में कुछ नहीं दिख रहा भाई, और मैं तो नैना देवी से बस यही गुजारिश कर रहा हूँ, हे माँ कोई जानवर वगैरह कुछ ना आए ठीक है, अपना सुख शांति चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, इंसानों से डर मुझे लगता नहीं, बस जानवरों से लगता है। अपना चलता हूँ भाई, अपना अंधेरा बिल्कुल अंधेरा, मेरे पास लाइट भी नहीं है भाई, चलो कोई बात नहीं, अपना चलते हैं भाई, अपना नैना देवी पहुंचकर मिलता हूँ। तो भाई जब भी आप देख सकते हैं ठीक है, 1/2 घंटे बाद मैं पहुंच चुका हूँ नैना देवी, और मैं यहाँ पर नहा धो लिया हूँ, आप देख सकते हैं मेरे कपड़े दूसरे हैं भाई, और मैंने अपने कपड़े भी धो दिए भाई सारे, और अपना सही मुझे रूम भी मिल गया, अपना रूम में बैठा हूँ भी मैं, और मैंने सोचा लोगों में बता देता हूँ आप लोगों को, मैं थोड़ी देर पहले मिला था आप लोगों को पहाड़ के पास, जहाँ मैं थोड़ा अंधेरे में खड़ा था भाई, और उसके ठीक 1/2 घंटे बाद मैं पहुंच गया भाई ऊपर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, और मैंने नैना देवी पर पूजा भी कर ली है भाई, मैंने यहाँ पर प्रसाद वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया है, बहुत अच्छा लगा। और ये मंदिर है ना 10 बजे बंद होता है, मैंने 9:30 बजे पूजा की है, यहाँ पर 1/2 घंटा रह गया था बस भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा नैना देवी देखकर, सच में यार मैं 2 बार जा चुका हूँ नैना देवी पर, दूसरी बार आया था अभी मैं, और तीसरी बार भी कभी बुलाएगी माता कोई दिक्कत नहीं, बुलाने पर ही जाया करते हैं भाई हम तो ठीक है। और अपना अभी मैं सोऊंगा यहाँ पर, और अपना स्क्रिप्ट लिखनी है मुझे आज मिनी व्लॉग की, क्योंकि मिनी व्लॉग इंस्टा पर डाले हैं बहुत दिन हो गए भाई, और हम लोग मैं बताना चाहता मैं लाइव आ सकता हूँ भाई यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर रेडी रहा करो और बेल आइकन ऑन कर लो ठीक है, सब्सक्राइब करके बटन और बेल आइकन ऑन कर लो, तो आई होप गाइस लोग आपको सब्सक्राइब कर देना, तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, आपके लिए बाय बाय, टेक केयर।